देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया है। वहीं मुंबई पहले से ही बेहाल थी, अब रही सही कसर भी। लाखों की आबादी वाले धारावी में 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरी हो गई। अब सरकार ने पूरे धारावी में बड़ा अभियान छेड़ दिया है। साफ है कि कोरोना के खिलाफ ये जंग आसान नहीं है। हजारों झुग्गियां और लाखों की आबादी, ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी है। पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूटने वाला कोरोना वायरस अब इस स्लम की तंग गलियों तक पहुंच गया है और अब इस बस्ती में पांव पसारने की फिराक में। लाखों की आबादी वाले धारावी में अब तक 28 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। 4 लोगों को वायरस ने अपना शिकार भी बनाया है। एक ही दिन में 6 लोगों के इस इलाके में कोरोना संक्रमित होने के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ गई और बड़ा फैसला लेते हुए पूरे धारावी में जबरदस्त अभियान छेड़ दिया गया। शनिवार को मुंबई पुलिस ने इस इलाके में फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी, मास्क पहनने या फिर कपड़े से मुंह ढकने को कहा। ये चेतावनी भी दी कि लापरवाही की तो सीधे हवालात के दर्शन होंगे। हम इस वक्त धारावी के बाहर मौजूद हैं। मुंबई उभरा है, एक देश का एक सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। अगर हम कोरोना वायरस के मैक्सिमम केसेस की बात करें, 1000 से ज्यादा केसेस मुंबई में सिर्फ रिपोर्ट किए गए हैं। इस वक्त में धारावी जैसा एक स्लम में कम से कम 17 केसेस का आना, मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है राज्य सरकार के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स और बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स द्वारा। वार्निंग दी जा रही है हर उस इंसान को कि आप सड़क पर ना निकले। अगर आपको अत्यंत आवश्यक काम नहीं है, आप तक हर चीज़ पहुँचाई जाएगी, इसके सारे इंतजाम कर दिया गए हैं। एक और बड़ी चीज़ जिस पर ध्यान दिया जा रहा है कि एक भी ऐसा इंसान जो बिना मास्क, बिना कपड़े के, रुमाल या बिना किसी फेस शील्ड के मिले सड़क पे, उसको उसी समय अरेस्ट किया जाए ताकि लोग लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का जो एक रूल है उसको सीरियसली लें। धारावी का इलाका घनी आबादी वाला है, एक ही कमरे में कई कई लोगों का बसेरा है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला यहाँ लागू करना किसी चुनौती से कम नहीं। यही वजह है कि पुलिस धारावी में ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, 24 घंटे निगरानी की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस मैसेज दे रही है इस वक्त तमाम लोगों को, वो ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में घूम कर दिया जा रहा है। पुलिस आग्रह कर रही है कि आप लोग घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। एरिया को सील किया हुआ है और वो इसलिए क्योंकि धारावी भी एक बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है कोविड-19 का। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ड्रोन है। इस ड्रोन की मदद से जो मुंबई पुलिस के अधिकारी ग्राउंड जीरो से अपने मैसेज दे रहे हैं, ये ड्रोन पूरे इलाके में घूमकर उसी मैसेज को रिले भी कर रहा है। हमें ये भी जानकारी दी गई है कि जो धारावी इलाके के अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर खुद बीएमसी के कर्मचारी जाके उस एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, फ्यूमिगेट कर रहे हैं। धारावी जैसे इलाके में सिर्फ सख्ती से काम नहीं लिया जा सकता, लिहाजा लोगों को समझाया भी जा रहा है, कोरोना के खतरे से आगाह भी किया जा रहा है। हमको आज से ही ये कसम खानी है कि हम बिल्कुल बिना कारण या झूठे बहाने बना के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, साफ सफाई रखेंगे, बार बार हाथ धोके ही धोते रहेंगे। शनिवार के दिन पूरे धारावी में स्क्रीनिंग शुरू की गई। बीएमसी के साथ ही निजी डॉक्टर भी इस स्क्रीनिंग में शामिल हैं। किसी का बुखार है क्या? बुखार है क्या? किसी को नाक बह रहा है क्या? किसी का? डॉक्टरों की टीम ने लोगों से 4 सवाल पूछे। पिछली बार सर्दी जुकाम कब हुआ था? क्या वो किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे? लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री क्या है? क्या हाल के दिनों में किसी विदेश से लौटे व्यक्ति के संपर्क में आए थे? बुखार विकार है क्या किसी को? इन सवालों के जवाब के आधार पर लोगों को अलग कर फिर मेडिकल जांच की जा रही है। देश का ध्यान धारावी पे, क्योंकि धारावी में पॉजिटिव केसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वो कंट्रोल करने के लिए पूरी धारावी को स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया हुआ है।
और धारावी के जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको मैंने अपील किया था, तो मेडिकल एसोसिएशन जो महाराष्ट्र की है उन्होंने रिस्पॉन्स दे के आज 22 डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है और आने वाले दिनों में 150 डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे और पूरे घर घर में 7.5 लाख की यहाँ पे आबादी है, घर 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 में स्क्रीनिंग किया जाएगा और जो भी सस्पेक्टेड पाए जाएंगे तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और जो पॉजिटिव पाएंगे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े स्लम में कोरोना का खतरा मंडराते ही सरकार में हड़कंप मच गया। इसकी बड़ी वजह यहाँ की घनी आबादी है। अगर इस इलाके में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता है तो बड़ी तबाही से सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। सरकार के सामने अब धारावी में रहने वाले एक एक शख्स की जांच करके कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से रोकने की भारी जिम्मेदारी है। तनुश्री पांडे, पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। पूरे महाराष्ट्र में 1700 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की पहचान हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 127 तक पहुंच गया है। सरकार ने अब तक 36,771 लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराया है। अब युद्ध स्तर पर पूरे मुंबई को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस ने महाराष्ट्र और मुंबई को बेहाल कर दिया। पूरे देश में वायरस के शिकार सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में ही। अब तक सूबे में 1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। मरने वालों की तादाद भी 100 के आंकड़े को पार कर गई है। अकेले मुंबई में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। पिछले 12 घंटे में सिर्फ मुंबई में 72 नए मरीज कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। पूरे मुंबई में सब कुछ बंद है, लोग घरों में कैद हैं, जरूरी सेवा की सप्लाई जारी है। जो लोग लॉकडाउन तोड़ते दिखते हैं उन पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आज अहमदाबाद से मंगवाई गई 2 मशीनों से रास्तों को सैनिटाइज किया गया। शहर में जरूरी दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन आज बीकेसी इलाके में कुछ खास हो रहा है, नजर डालिए इन 2 मशीनों पर। हमें बताया गया है कि पहली बार सड़कों पर इस तरीके की मशीनों को लाया गया है इस इलाके में फ्यूमिगेशन और सैनिटाइजेशन करने के लिए। अहमदाबाद से ये मशीनें बुलाई गई हैं। 2 वर्कर्स यहां पर यूपीएल लिमिटेड द्वारा दिए गए हैं। ये पूरी कवायद एमएमआरडीए द्वारा चलाई जा रही है। मुंबई शहर में 318 इलाके ऐसे हैं जो अब पूरी तरह से आइसोलेट किए जा चुके हैं। सरकार लोगों को घरों में रखकर कोरोना के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार कोरोना के टेस्ट को लेकर भी गंभीर है ताकि कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें तुरंत आबादी से अलग किया जा सके। तनुश्री पांडे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में कोरोना से हालात परेशान करने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए। आपलं धैर्य आहे हे त्या साखळ दंडाला तोडणार आहे, हे धैर्य आहे आपलं। या साखळ दंडातून आपणच आपली लवकरात लवकर मुक्तता करून घेऊ शकतो। आणि मग पुढे काय करायचं, 14 नंतर 30 एप्रिल पर्यंत हा लॉकडाऊन राहील, पण 14 नंतर साधारणतः काय करणार ह्याच्या व्यवस्थित सूचना मग विद्यापीठाच्या परीक्षा आल्या, शाळांच्या परीक्षा आल्या, हे ह्याच्यावरती काम सुरू आहे। क्या देश और क्या दुनिया, इस वक्त अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है कोरोना का शोर। ये शोर अब लोगों को डराने लगा है। महाराष्ट्र में आत्महत्या के 2 मामले सामने आ चुके हैं। एक युवक ने कोरोना के डर से जान दे दी तो वहीं एक जमाती ने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आत्महत्या कर ली। सड़कें खाली हो चुकी हैं, दुकानें बंद हैं, पुलिस और जिला प्रशासन एक्शन में है, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है। इन सब के बीच बड़ी संख्या उन लोगों की है जो या तो अपने घरों में बंद हैं या फिर क्वारंटीन सेंटर्स में आइसोलेट किए गए हैं। सरकार लगातार कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रही है, बार बार कह रही है कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। लेकिन कोरोना का खौफ इस कदर अपना असर दिखा रहा है कि लोग इलाज की जगह मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 लोगों ने कोरोना के डर से अपनी जान दे दी। पहला मामला नाशिक का है। 31 साल के इस युवक ने शनिवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने जांच की तो एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मैं कोरोना के डर से सुसाइड कर रहा हूं। इस बीमारी के ट्रीटमेंट से मैं चिंतित हूं। मुझे लगता है कि मुझे कोरोना हुआ है। चार दिन पहले युवक को गले में तकलीफ हुई। जिस डॉक्टर के पास वो इलाज के लिए पहुंचा, उसका कहना है कि युवक में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। आत्महत्या की दूसरी खबर अकोला से सामने आ गई। यहां आइसोलेशन वार्ड के बाथरूम में असम के एक युवक ने अपना गला काट लिया। खबर मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिस शख्स ने आत्महत्या की उसकी उम्र 30 साल थी और वो कुछ दिन पहले दिल्ली के मरकज से अकोला पहुंचा था। बीमार होने पर अस्पताल पहुंचा, शुक्रवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और शनिवार को उसने आत्महत्या कर ली। वो अचानक बाथरूम में उसका गले में जख्म करते हुए वो काफ़ी उसका ब्लड भी गया था उसके वो वहाँ पर मिला था। उसको अपने ऑपरेशन थिएटर में इमीडिएटली डॉक्टर्स ने लेकर उनके ऊपर शस्त्रक्रिया करने का भी सोचा था, पर मीनवाइल उसका बहुत ज़्यादा ब्लड जाने की वजह से उसकी आज डेथ हो गई। अकोला में जमात से जुड़े जिस शख्स ने आत्महत्या की, प्रशासन उसकी मौत की वजह का पता लगाने में जुटा हुआ है। ये मौतें इस बात की गवाह हैं कि कोरोना को लेकर लोग किस कदर खौफजदा हैं। वायरस और क्वारंटीन जैसे भारी भरकम शब्दों का बोझ झेल नहीं पा रहे हैं। सोमवार को कपूरथला में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। एक महिला को शक था कि वो कोरोना वायरस के शिकार हो गई है और इस डर से उसने जहर खा लिया। हालात बता रहे हैं कि सिर्फ कोरोना का इलाज, बचाव और रोकथाम के उपाय जितने जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी है काउंसलिंग। लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि कोरोना का मतलब मौत नहीं है। आपके अंदर की इम्यूनिटी और आपका आत्मविश्वास कोरोना को मारने में दवा से ज्यादा कारगर है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। प्रवीण ठाकरे, धनंजय साबले, हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे देश की तरह ही दिल्ली में भी लॉकडाउन सख्ती से लागू है। यही नहीं, मास्क पहनना भी यहाँ पर अनिवार्य है। लेकिन उरुग्वे की एक महिला राजनयिक इनकी धज्जियां उड़ाती हुई दिल्ली की सड़कों पर साइकिलिंग करती नजर आई। दिल्ली पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वो बहस पर उतर आई। Our MEA has already issued mandate. I can show you. You want to see the mail of the embassy? No, you are not following the. जब दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना के कहर से त्राही त्राही कर रहे हैं और इस महामारी से जंग लड़ रही देश की राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन और मास्क लगाने के सख्त नियम लागू हैं, तब दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे की ये राजनयिक साइकिलिंग करने निकल पड़ी हैं। वेलेंटिना ओबिस्पो उरुग्वे दूतावास में प्रशासनिक प्रमुख हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने वसंत विहार में रोका और लॉकडाउन के साथ ही मास्क पहनने के नियम पर जवाब तलब किया तो ये बहस करने लगी। आज तक को मिले वीडियो में पुलिस से उनकी बातचीत को आप भी सुनिए। You have to receive that. Our MEA has already issued mandate. I can show you. You want to see the mail of the embassy? No, you are not following the lockdown directive. Honorable PM. Your honor is very honorable, but we didn't receive anything. You're not obeying. Okay, I will obey. You are disobeying the law or need of the time. Okay, well, you can send something to my email if you want. Yes. मास्क पहनने के मुद्दे पर भी वेलेंटिना उखड़ गई और कहने लगी कि दिल्ली पुलिस उन पर ये नियम नहीं थोप सकती है। ये वाकया शनिवार का है जब वेलेंटिना वसंत विहार के पश्चिमी मार्ग पर साइकिलिंग करती देखी गई थी। इस इलाके में कई एम्बेसी हैं और दिल्ली में तैनात कई राजनयिक यहां रहते हैं। कुछ राजनयिकों के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने वेलेंटिना को रोका, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो इस बात पर बहस करती रहीं कि उन्हें या उनकी एम्बेसी को लॉकडाउन या अनिवार्य रूप से मास्क पहनने पर कोई मेल नहीं मिला है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के मुताबिक वेलेंटिना ने अपना आई कार्ड दिखाने से भी इनकार कर दिया। अब दिल्ली पुलिस उरुग्वे की एम्बेसी को वेलेंटिना की ओर से लॉकडाउन तोड़ने और मास्क न पहनने के संबंध में शिकायत करेगी। साथ ही विदेश मंत्रालय से भी वेलेंटिना के बर्ताव और इस दलील को लेकर शिकायत दर्ज कराएगी,
कि उन्हें विदेश मंत्रालय से कोई दिशा निर्देश क्या सच में नहीं मिला है। आज तक ने इस संबंध में उरुग्वे की एम्बेसी का पक्ष जानना चाहा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। गीता मोहन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में सीआरपीएफ के कैंप में इस वक्त भारी संख्या में पीपीई सूट और मास्क तैयार किए जा रहे हैं और इस काम को खुद सीआरपीएफ के जवान करने में जुटे हुए हैं। सीआरपीएफ के इस कैंप में मास्क और पीपीई बनाने की स्पेशल मशीन लगाई गई है। यहां बने मास्क और पीपीई को देश भर के अस्पतालों में सप्लाई किए जाने की तैयारी है। आज तक की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश भर में लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए राज्यों की पुलिस के साथ साथ बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी तैनाती सड़कों पर की गई है, लेकिन सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जिसे देश भर में यह तैनाती तो है, लेकिन उसके साथ ही वो जो एक कदम बढ़कर आगे कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मसलन अपनी अपनी तनख्वाह से योगदान देकर रोजाना भूखों को खाना खिलाना या फिर अपना ही मास्क और पीपीई का प्रोडक्शन यूनिट शुरू करा देना। यहाँ पर मास्क बनाए जा रहे हैं, साथ ही पीपीईज बनाए जा रही हैं। सर, ये आइडिया कहाँ से आया? सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री दल है और क्योंकि हम लोग अभी सतत ड्यूटी पे हैं तो बार बार हमको ये मास्क की जरूरत पड़ रही थी और मास्क बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं हो रहे थे बाजार के अंदर। इसलिए हम लोग ने ये एक प्रयास किया है कि अपने दल के लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे एक मास्क बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है आज सीआरपीएफ दल की उसको हम लोग पूरा ही कर रहे हैं। मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि आप बाहर के यूनिट्स को भी आप आपूर्ति कर रहे हैं? जी, अभी जैसे कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे हमारी काफ़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और वहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होने की वजह से हमको काफ़ी कुछ यहाँ से दिल्ली से प्रोक्योर करके वहाँ भेजना पड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ से ये मास्क उनको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप लोगों ने क्या मेडिकल एडवाइस भी लिए, डॉक्टर्स से भी बात की है, क्योंकि पीपीईज वगैरह भी बन रहे हैं तो वो स्पेसिफिकेशंस किस तरीके से परफेक्ट? कुछ स्पेसिफिकेशंस जो WHO के थे वो जो अवेलेबल हुए वो हमने उनको अडॉप्ट किया। कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे हम लोगों ने यहाँ पे सलाह मशवरा किया, डिज़ाइन जिस तरह से वो लोग चाह रहे थे उस तरह की हमने डिज़ाइनिंग करी और लगभग ये कोशिश करी कि जो अभी हम लोग पीपी और जो मास्क बना रहे हैं वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को कन्फर्म करें। सीआरपीएफ की खासियत यही है कि समय के हिसाब से वो चीजों में जो बदलाव करते हैं। देखिए, ये रिक्रिएशन रूम है, लेकिन अगर आप इधर देखें तो देश को जरूरत थी, वहां मास्क बन रहे हैं, यहां पर पीपीई बनाया जा रहा है क्योंकि इस समय आवश्यकता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, जो कि सीआरपीएफ के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, सेवानिवृत्त होने के बावजूद एक कंसल्टेंट के तौर पर इस समय आप यहां पर हैं। अब जिस तरह से ये तैयारियां हो रही हैं, पीपीई किन मानकों पर बना रहे हैं आप? ये हमने मार्केट से सर्वे कराया है, प्लस हमने मटेरियल्स जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको उनका असेसमेंट किया है और अपनी जो बेस्ट क्वालिटी मटेरियल हो सकती है विथ लेमिनेशन, उस लेमिनेशन की वजह से जो कीटाणु है, जर्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बाहर रख सकते हैं, उसको आने से रोक सकते हैं और कॉस्ट वाइज ऑल्सो भी हमने इफेक्टिव रखा है और हमने इसकी ये सुनिश्चित किया है कि इसकी सप्लाई में कमी ना हो और आज के दिन हम
एवरेज कोई 100 के ऊपर हम बनाना चाह रहे हैं और आगे हम इसकी संख्या को बढ़ाएंगे और रात दिन मैंने 24 आवर्स इस पर हमारे आदमी लगे हुए हैं और ये कोई बाहर से नहीं है, हमारे खुद सीआरपी के टेलर्स हैं जिनको हमने ट्रेंड किया, जिनको यूनिफॉर्म्स आम दिनों में सिल रहे हैं उन्हीं को जस्ट उनको डाइवर्ट किया है। सर, ये जो पीपीई है इसका प्रयोग किन चीज़ों के लिए, कहाँ पर? अब पीपीई की डिमांड इसलिए बढ़ी कि जैसे वैश्विक जो रोग का अगर फैलाव होता है, जैसे महामारी के रूप में अगर सारे भारत में फैल जाता है तो हर जगह हमें क्वारंटाइन सेंटर्स पर जहां पेशेंट अपने यूनिट्स में भी और सिविल्स में भी और अदर हॉस्पिटल्स में भी जरूरत पड़ेगी, उस समय हम इसकी ज़्यादा उपलब्धता को मुहैया करा सकें और जगह जगह जाके हम मदद कर सकें समाज का। जैसे बाढ़ के समय में, भूकंप के समय में सीआरपी आगे आकर कोरोना के समय में भी हम अपनी तैयारी पूर्ण निश्चित कर रहे हैं। कोरोना का कोहराम मचा, सबसे पहले सीआरपीएफ की तरफ से ही हाथ बढ़ाया गया कि सबकी एक दिन की तनख्वाह को पीएम केयर फंड के लिए दिया गया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके से किया, आप देखेंगे तो हर एक जगह आपको कुछ न कुछ अलग दिखेगा। ये 200वीं बटालियन के साथ हम इस समय हैं जहां पर साउथ वेस्ट दिल्ली में आप लोग रोज 250 लोगों को खाना खिला रहे हैं। हाँ, जब हमने शुरू किया था तो 100 लोगों के साथ किया था 28 मार्च से, और तब से लगातार हम लोग अब 250 लोग हो गए हैं जिन्हें हम कैटर कर रहे हैं एक टाइम की मील का। अच्छा सर, ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से कहा कि करेंगे? हाँ, सारे ऑफिसर्स हम इकट्ठा हुए और हमने डिसाइड किया कि अपने लेवल पे ये हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिप्राइव सेक्शन बहुत था और जिन्हें जरूरत थी, तो उसी हिसाब से हमने शुरू किया इसे। और बड़े अच्छे से सारी चीजों का ख्याल भी रखा गया है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप डॉक्टर भी हैं बटालियन के, तो यहाँ पर हर एक चीज का अंदर से बाहर तक मैंने देखा, एक ख्याल रखा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिसर्स को फीलिंग कैसी होती है यहाँ पर कि आप लोग के आसपास कोई भूखा अगर नहीं सो रहा है तो ये तो मन को संतुष्ट करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक दिल को पूरी तसल्ली मिलती है। दरअसल सीआरपीएफ की तरफ से और भी जो अलग अलग पोस्टिंग जिनकी आप देखेंगे सड़क पर भी वो खड़े हैं, तो हर एक नाके पर भी खड़े रहेंगे। किस तरीके से मास्क पीपीई का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, किस तरीके से यहाँ पर जो जरूरतमंद है उन्हें खाना भी खिलाया जा रहा है, ये सारी चीजों का ख्याल अगर रखा जा रहा है तो उसके साथ सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय।